उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिनों तक चले मानसून सत्र की कार्रवाई को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। राज्य के सामान्य बजट की पूर्ति के लिए 5,013 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और अपने खर्च को भी सरकार कम करने के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें उत्तराखंड पर बढ़ता कर्ज उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर सत्र की कार्रवाई संतोषजनक रही, जिसमें कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी हुई है। 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण नीतियां बननी थी या जो भी कार्यक्रम आगे चलने हैं, उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक उसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती, और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था, उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है, उस दिशा में भी हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले अगर 2-3 सालों का देखेंगे तो दुगना हमने ऋण जो है वापस करने का काम शुरू किया है, और राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस रहा है कि राजस्व बढ़े। और उसको लेकर लगातार चाहे आज वो रेवेन्यू बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में है, आबकारी विभाग हो चाहे हमारा खन विभाग हो या स्टाम्प करके आने वाले रेवेन्यू हैं, उन सब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, आंकड़े साफ बताते हैं। और ऋण भी कम से कम दिया गया है, विकास के मामले में भी हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो नीति आयोग ने आंकड़े दिए थे उन आंकड़ों में भी उत्तराखंड का नंबर 1 स्थान आया है। इसके साथ साथ जो हम राज्य के विकास के लिए जो प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं कि ईईपी के प्रोजेक्ट हैं, केंद्रीय सहायता पोषित योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजनाएं हैं, जिनमें हमें कहीं पर 72% का अनुदान मिलता है, जिसमें 28% राज्य को खर्च करना होता है। ईईपी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 90% हमको केंद्रांश मिलता है और 10% राज्य को खर्च करना होता है। जितनी हमारी परिसंपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से जो है आगे केवल सफ़ेद हाथी के रूप में न रहें। अभी इस अनुपूरक बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी राज्य के गेस्ट हाउस हैं उन गेस्ट हाउसों को हम ठीक करें, और जहाँ भी लोग आते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त होता रहे। ये नहीं कि हमने सब चीज़ें बना दी और बनाने के बाद केवल और केवल उसमें हम पैसा खर्च करते रहें। हम राज्य को इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था राज्य की मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो खर्चे हैं उन खर्चों को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य को अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ मिले जिनसे राज्यांश कम से कम हो। साथ ही जो हमारा गरीब है, गरीब कल्याण की योजनाएं वो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचें, युवाओं के और नौजवानों के विकास के लिए, हमारे शिक्षार्थियों के लिए हमने बहुत सारी जो है छात्रवृत्तियाँ भी शुरू की हैं, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ी उदयमान योजना भी प्रारंभ की है, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और अच्छे काम करें, 3 लाख रुपये तक का ऋण उनको बिना ब्याज देने की व्यवस्था की है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम लेकर आए हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि अनुपूरक बजट जो हमारा सामान्य बजट था उस बजट को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का ही एक अंश है और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।
दंगाइयों के नियंत्रण